हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। और देखिए, अब हम टॉपिक वाइज अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, उनको हम ट्राई कर रहे हैं कि कवर करें। और यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन था 2012 का, 5 अंक के लिए आपके सामने ये आया था। और इसका आपको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया था बच्चों कि माध्यक निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, माध्यक निकालने के लिए एक तो माध्यक वर्ग की जरूरत होगी। किसकी? माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम निकालेंगे। और मीडियन क्लास कैसे निकलेगी बच्चों? मीडियन क्लास आपकी यहां से निकल जाएगी, जो ये एन है। ठीक है, एन क्या हो गया? ये जो थोड़ी सी बड़ी, 2 से भाग करने पे कितना आया? 25.5। तो 25.5 से जो थोड़ी सी बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसी वाली क्लास को हम क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग या फिर मीडियन क्लास। जैसे 25.5 से हल्का बड़ा 27 है, तो ये क्लास होगी माध्यक क्लास, मीडियन वर्ग। उसके बाद मीडियन वर्ग आपको पता लग गया क्या होता है? मीडियन वर्ग के रेफरेंस से ही हम यहाँ पे सीएफ निकालते हैं। अब देखिए, अलग अलग चीजें हैं। जैसे सीएफ क्या होगा? सीएफ होगी बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मतलब जो आपकी मीडियन क्लास की सीएफ है, उससे जस्ट पहले वाली सीएफ लिखेंगे हम यहाँ पे। n/2 आपको पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से भाग कर देंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। और h क्या हो गया? जो आपका ये है हाई साइज ऑफ इंटरवल, ठीक है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इस तरह से सारी चीज आपके पास आ गई। फॉर्मूला ये अप्लाई करनी थी इसमें वैल्यूज, और आपको फाइंड आउट करना था आंसर, है ना। ये होमवर्क के लिए दिया था बच्चों मैंने। उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क अपना कंप्लीट जरूर किया होगा। तो फटाफट से इसका आंसर आप बताएंगे मुझे क्या आंसर आया है, अदरवाइज इसको जल्दी से सॉल्व करें और फिर बताएं कि आपका आंसर क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज आपको सबकी पता लग गई ना? यहाँ पे देखिए, सबकी वैल्यूज आपको लिखी हुई है, मैंने लिख दी है आपके लिए वैल्यूज। एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी एफ एच सब है आपके पास। अब खाली आपको मीडियन निकालना है। मीडियन यानी माध्यक। माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? L प्लस, फिर से मैं फॉर्मूला लिख दूं आपके लिए, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही था। तो यहां पे जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं फटाफट। ये 60 हो गया, n/2 हो गया 25.5, माइनस सी एफ हो गया 20, एफ कितना है? एफ हो गया, देखते हैं यहाँ पे एफ कितना है, 7 है। यहाँ पे 7 लिख दीजिए, और एच कितना था? 10। तो ये 10 आ गए। तो बच्चों यहाँ पे ये वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, बस इन्हीं को सॉल्व करना है। 60 प्लस 25.5 में से 20 घटाएंगे तो 5.5 बच गए यहाँ पे, अपॉन 7 × 10 है। ये डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में 10 लगा दे, ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास आ गया 60 प्लस 55/7। इसको डिवाइड कर लीजिए 55 को 7 से, 7 6 42, 7 × 7 49, बच गए 6। फिर 0 हमने उतारा, 7 8 56, 4 यहाँ पे बच गया, फिर 0 हमने उतार लिया, तो 7 5 35, फिर 5 बच गया, 0 उतार लिया, तो 7 7 49, एंड ये चलता रहेगा बच्चों, है ना।
तो हम 3 digits तक निकाल लेते हैं, इसको राउंड फिगर कर देंगे, या तो बाद में 2 digits तक। देखिए अब हमारे पास क्या आया है, 60 प्लस ये आ गया 7.857, है ना, कितना हो जाएगा 67.86, ये आपका मीडियन। बस यही फाइंड आउट करना था, नोट डाउन कर लीजिए, किसी बच्चे को कोई अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए जो माध्यक वाले क्वेश्चन है वो भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो जो मीन वाले थे और मोड वाले थे वो तो हम कर चुके हैं काफी सारे क्वेश्चंस, अब मीडियन वाले भी धीरे धीरे आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये एक सवाल है आपके लिए, इसका टेबल मैं कंप्लीट कर देता हूं, एक बार मैं आपके लिए पूरा टेबल बना देता हूं। ये टेबल यहां पे आगे होगा 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 900 एंड 900 से 1000, ठीक है। और यहां पे जो आपके सामने फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी 17 है, फिर 20, फिर वाई, फिर 9, फिर 7 एंड 4, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल। ये इसका कंप्लीट टेबल है, देखिए 2016 के एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, माध्यक आपको दिया है, ठीक है। तो जो मीडियन है 525 गिवन है, यदि बारंबारताओं का योग, ठीक है, बारंबारताओं का योग 100 है, यानी जो ये बारंबारता है क्या होती है, एफ आई होती है, है ना, एफ आई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई कितना है, 100 है, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बारंबारताओं का योग यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो ये इसका योग है सिग्मा एफ आई, दैट इज 100, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और y का मान बताना है आपको, ये चीज आपको दी गई है, x और y का मान आपको बताना है। तो देखिए ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, आप टेबल बनाइए प्रॉपरली और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करके इसको हल कीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपके। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे साथ में, जिसका आंसर आ गया है बच्चों आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आपको यहां पे दिया है वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको लिख लीजिए वर्ग अंतराल, यानी क्लास इंटरवल, है ना, वर्ग अंतराल या फिर क्लास इंटरवल इसको बोल सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, तो बच्चों वर्ग अंतराल जो हमें दिया है वो लिख लेंगे, उसके बाद आपको बारंबारता दी है, है ना, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, इसको हम एफ आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद हमें निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि सी एफ है, ठीक है। सी एफ को हम संचयी बारंबारता भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है वो कितने कितने हैं हमारा, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300,
300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल के बाद आती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, वो गिवन है बच्चों, ये लिखनी है 2, 5, x, 12, 17 है ना, यही है 2, 5, x, 12, 17, उसके बाद क्या है देखिए 20, y, 9, 7, 4, 20, y, 9, 7 और 4, ठीक है। ये होगी कम्युलेटिव, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों। यहां से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की। अब बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है ये चीज ध्यान रखिए आप, जो सीएफ है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है जैसे जो पहले वाला है वो तो सेम रहेगा, ये दो है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से 100 तक की दो ही रहेगी। लेकिन अगर दूसरे वर्ग इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई वो आएगी 200 से कम जितने भी हैं, 200 से कम भाई 100 से 200 भी और 0 से 100 भी है, ये सब ऐड हो जाएंगे, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, या फिर ये दो है इसमें अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होगी। समझना बच्चों, ये जो दो है ये वाला सीएफ है इसमें ये 5 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है? उससे अगला सीएफ निकालने के लिए ये जो 7 आया था इसमें अगली फ्रीक्वेंसी जो एक्स है उसको ऐड कर देंगे तो 7+x आ जाएगी। फिर 7+x जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हम 12 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 19+x। इस तरह से भाई 19+x जो है उसमें हम 17 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 36+x। फिर जो 36+x है इसमें हम 20 ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 56+x। और जो ये 56+x है इसमें हम y ऐड कर देते हैं तो यही आएगा, ये तो 56+x+y। फिर इसमें 9 और ऐड कर देंगे, है ना, 9 और ऐड कर देंगे तो 56 में 9 ऐड करने के बाद कितना आएगा 65, 65+x+y। और 65 में 7 ऐड कर दिया तो 72+x+y, और 72 में 4 ऐड कर दिया तो 76+x+y। ये चीज समझना है बच्चों आपको, है ना। तो इसमें अगर कोई डाउट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में पूछ लीजिएगा। अब उसके बाद जो योग है, ठीक है, वो कितना आएगा वो देखते हैं। तो देखिए जो हमारे पास इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो n हमें कितना यहाँ पे प्राप्त हुआ, इन सब को ऐड करके हमें मिलेगा 76+x+y, और ये गिवन कितना है 100 गिवन है, है ना। 100 तो दिया हुआ है हमें, जो फ्रीक्वेंसीज का सम है 100 गिवन है। बारंबारताओं का योग देखिए यहाँ पे, बारंबारताओं का योग कितना है 100 है, तो ये तो गिवन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, जो हमारी ये बारंबारताओं का योग होगा ना और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म आएगी वो दोनों सेम होने चाहिए, समझ गए। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए और यहां तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए हमें एक चीज और यहाँ पे गिवन थी, जो माध्यक है हमारा, माध्यक है वो कितना गिवन है, वो 525 दिया हुआ है, है ना। माध्यक अगर 525 दे दिया है तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं बच्चों। देखिए माध्यक 525 यहाँ पे गिवन है, तो जो माध्यक वर्ग है वो कितना होगा भाई, 525 कहाँ पे आएगा, 500 और 600 के बीच में, तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है।
माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, वो हो जाएगी 20। क्लियर है? और माध्यक वर्ग की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक ठीक पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, ठीक है। और जो क्लास साइज है वो कितना है भाई, 600 माइनस 500 करके देख लो, 100 आ जाएगा क्लास साइज। तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, एल कितनी आ जाएगा, 500 आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो सारी चीजें आपके पास यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है, क्या पता है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है, ये n है, ठीक है। कितना आया था हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यहां से देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 76 प्लस x प्लस y आया था, 76 प्लस x प्लस y, और ये किसके बराबर गिवन था, 100 के बराबर था, ये 100 के इक्वल था। तो इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस y कितना आ गया, 100 माइनस 76, तो 100 में से अगर 76 गए तो कितने बच गया, 24 बच गया। तो x प्लस y किसके बराबर आ जाएगा, 24 के बराबर आ जाएगा। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, इक्वेशन वन हो जाएगी ये। उसके बाद देखिए, हमें पता है जो माध्यक है वो कितना है बच्चों, आपका माध्यक मीडियन, मीडियन इज गिवन 525। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास क्या होगी, ये हो जाएगी 500 से 600। अगर मीडियन क्लास ये है तो यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं बच्चों। क्या हो जाती हैं क्लियर है, जो माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट है वो 500 है ना, ये पता लग गया हमें। क्लास साइज है 600 माइनस 500 कितना आ गया, 100 आ गया, ये पता लग गया हमें। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास अभी मैंने मार्क की थी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होगी 20, है ना, 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 36 प्लस x हो गया। ये चीजें होती हैं, और कुछ तो नहीं होता, एक n बाय 2 होता है, n बाय 2 कितना हो गया, n 100 है, तो 100 बटे 2 कितना हो गया, 50 हो गया, बस इतना ही होता है। अब देखिए माध्यक का फॉर्मूला आप लगाइए, यहाँ पे क्या आएगा, माध्यक बराबर है मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। ये सूत्र हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बच्चों। अब माध्यक 525 गिवन है, रख दीजिए, एल कितना है, एल यहाँ पे आपके पास है बच्चों 500, ये मैंने रख दिया, प्लस n by 2 कितना है, 50 है, 50 में से CF कितना है, CF है बच्चों 36 प्लस x, है ना, 36 प्लस x है, तो मैंने CF की जगह 36 प्लस x रख दिया, है ना, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, f कितना है, 20 है, लिख दीजिए 20, और यहाँ पे ये 100 है, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। यहाँ तक तो कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, अगर कुछ डाउट आपको लगता है पूछ लीजिए अभी। देखिए ये 500 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, कितना हो गया ये 525 माइनस 500 इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 36 माइनस x, ठीक है, इनटू हो गया ये 100, है ना, यहाँ पे काट दें तो इसको 20 पंचे 100, ये 5 आ गया, है ना। और इस 5 को मैं क्या करता हूं, इस 5 को इस स्टेप में यहाँ डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। क्लियर है, देख मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना, इस 500 को तो अगले स्टेप में मैं लेफ्ट साइड ले आया, 20 से 100 को काट दिया, 5 आए, और 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, 525 माइनस 5 ये आ गया 25 बटे 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 कितना होगा, 50 में से 36 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 50 माइनस 36 ये आ गया 14 माइनस x, और ये कितना आ गया 5 इंटू 5 25, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9,
x की वैल्यू जो है वो 9 आ गई बच्चों, x की वैल्यू 9 आ गई, तो समीकरण एक में x का मान रख दीजिए, समीकरण एक में अगर x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा आपके पास। चलिए फटाफट रख के देखते हैं, समीकरण एक में x बराबर है 9 रखने पर, इसको 9 रख के देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, x की जगह 9 रख दीजिए प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9, 24 में से अगर 9 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, वाई इज इक्वल टू 15। तो देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15, ये आपके आंसर्स आ गए। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कुछ डाउट लग रहा है पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन, तो एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू, एमसीक्यू समझते हैं बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन होने वाले हैं, एक दो ये करके देखते हैं अब, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अभी तक 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें देखा था आपने कितना समय लग रहा था, कॉन्सेप्ट तो देखिए हर क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये कुछ आपको डाटा दिया गया है, इसका बहुलक, अब आपको ऑप्शंस भी दिए होते हैं, लिख लीजिए ऑप्शंस, 2, 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम, तब तक ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स का है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है, एक बंटन के माध्यक और बहुलक, एक बंटन के माध्यक और बहुलक आपको दिए हुए हैं, क्या क्या है, 25 और 21 है। अनुभविक संबंध से इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो आपको माध्यक और बहुलक दिया है, और अनुभविक जो इनका रिलेशनशिप आता है, किस किस का, मीन मीडियन मोड, तीनों का एक रिलेशनशिप है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका माध्य है, मीन है, वो क्या होना चाहिए ये बताना है आपको। लिख लीजिए ऑप्शंस, A 27, B 29, C 18 या फिर D 29/3। चलिए फटाफट इसको हल करेंगे आप, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आया है 2023 में, ठीक है, 2023 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो और फिर आंसर बताओ क्या होंगे इनके। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से इनके आंसर हैं, अगर आप
देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है बहुलक। बहुलक क्या होता है ये अगर पता है आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुलक वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो डाटा है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो। जैसे देखिए मुझे ये देखना है कि कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है इस डाटा में। तो दो देखेंगे, दो कितनी बार आया है, एक दो, सिर्फ दो बार आया है। तीन भी एक दो, सिर्फ दो बार आया है। और सात एक दो और तीन बार आया है ना, पांच एक बार आया है। तो मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया है, सात आया है। दैट विल बी इट्स मोड या बहुलक बोल सकते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो इनका रिलेशन होता है वो क्या होता है, मोड बराबर है 3 मिलियन माइनस 2 मीन। क्लियर है? यानी जो बहुलक है वो बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज अगर लिखें तो हमें बहुलक कितना दिया है, 25 दिया है। बहुलक कितना है, 21 दिया है बहुलक, है ना। मोड 21 है और मीडियन कितना है, 25 है। तो 25 लिख देंगे हम माइनस 2 इंटू मीन। क्लियर है? इसको आगे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई। एक काम करते हैं, 2 मीन को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 2 इंटू मीन को, और ये 25 या 75 हो जाएगा, 75, और 21 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो मीन कितना आ गया, 75 माइनस 21 54, और 2 मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा, इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। तो मीन कितना आया, माध्य कितना आया आपका, माध्य जो है वो आया है 27। तो इसका होगा ए, आंसर ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो एमसीक्यू आते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो स्टेटिस्टिक्स है इसमें हमने कुछ क्वेश्चन 5 अंक वाले किए हैं, कुछ अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, अभी आपने और भी करने हैं भाई, 1 मार्क्स वाले जो ऑप्शन नहीं, एमसीक्यू नहीं होते वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। और फिर उसके बाद 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 4 अंक के आते हैं, वो भी इस चैप्टर के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप अच्छे से बच्चों इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्लास अटेंड करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।